की आवाज है भारी लेकिन वो तो है एक नारी, और क्यों लगी उनको मेरी तरह राइम करने की बीमारी, और कैसे परेश रावल पर चढ़ा फंकुली नंबर 1 में बाबू राव का भूत। आपको मालूम है जब आपको डर लगता है तब आपका दिमाग काफी तेज दौड़ता है, जो कि असल में आपके कदमों की रफ्तार होनी चाहिए। खैर, क्या आपको भूतों और आत्माओं पर विश्वास है? आमी जी तुम्हार, रुशुदू जी तुम्हार। फिल्म भूल भुलैया को देखने के बाद मेरा हाल भी कुछ कुछ राजपाल यादव जैसा था। वहीं विद्या बालन ने जो मल्टीपल पर्सनालिटी की आड़ में अपने पति से अमीषा पटेल के साथ रिश्ता छुपाने की बात का बदला लिया है, हैट्स ऑफ है। फिल्म को सबसे पसंद किया गया था, लेकिन फिर भी दूसरा पार्ट बन रहा है, वो भी एक ऐसे हीरो को लेकर जिसे भूत ने भी नहीं छोड़ना। भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार वाला किरदार निभाने जा रहे हैं। मतलब अक्षय ने शायद अपने निभाए हुए किरदार में कोई कमी कर दी होगी। फिर तो लक्ष्मी 2 भी अगले साल आएगी। कार्तिक को लड़की के रूप में देखने के लिए एक्साइटेड हैं फिर क्या आप लोग? पता नहीं आजकल लड़कों को लड़की बनने का भूत क्यों सवार होता जा रहा है। लड़कियां खुद परेशान हैं, उनकी खुद हजार समस्याएं हैं, उनमें से 999 तो कपड़ों से रिलेटेड है, बाकी एक होगी कोई बीमारी। लेकिन बीमारी का तो इलाज होता है, लेकिन सेम कपड़े पहनने का खौफ का कोई इलाज नहीं है बाबू भैया। बाबू भैया ने इसी बात पर बोला होगा, खोपड़ी फोड़ साले का। परेश रावल ने भी हेरा फेरी करते करते इतनी बड़ी हेरा फेरी कर दी जो शायद उन्हें ले डूबी। कभी मालामाल वीकली, हेरा फेरी और हंगामा जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपनी कॉमेडी टाइमिंग के लिए मशहूर अभिनेता परेश रावल जल्द ही गुली नंबर 1 में कादर खान वाले आइकॉनिक किरदार में नजर आने वाले हैं। पहले तो हमें सुनकर काफी खुशी हुई क्योंकि परेश रावल एक ऐसे अभिनेता हैं जिन पर इस तरह के किरदार बहुत जचते हैं। लेकिन जब फिल्म का ट्रेलर आया सामने तो हमारे मन से सिर्फ एक ही आवाज आई, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? परेश रावल ने जब से ट्रेलर का ये रिस्पांस देखा तभी से राजू और श्याम को फोन लगाकर तीसरी हेरा फेरी की बात कर डाली। उन्होंने बोल दिया, देवी प्रसाद जिंदा है, मैं हूँ देवी श्री प्रसाद, मैं सारा का पापा नहीं हूँ, वो सैफ है, मैं साफ हूँ। फिल्म में सारा की बहन बनी शिखा तलसानिया को भी ट्रेलर के बाद इतना भागना पड़ा कि अपनी जान बचाने के लिए भी वो अपने फिट टू फैट को कायम लिख रही है। फिल्में छोड़कर राजपाल यादव तो खली से भी लंबे हो चुके हैं। दर्शकों ने उन्हें वरुण धवन समझकर दोनों तरफ से इतना खींचा कि अब वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें फायदा हुआ है या नुकसान। लेकिन मौज तो वरुण की है, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। फैंस को फिल्म पसंद आए या ना आए वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। उन्हें कोरोना हुआ वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कुली नंबर 1 के ट्रेलर के डिसलाइक नंबर सामने आए, बाप रो रहा है लेकिन बेटा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। इतना ही फोकस्ड बनना है मुझे भी जिंदगी में कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे एक ही चीज पर फोकस रखना है। फिल्म में सारा का किरदार क्या है किसी को समझ नहीं आया, हीरोइन, लेकिन फिर वो हीरो के साइड की वाली आवाज में क्यों बात करती है? पिछले दिनों न्यूज में उन्होंने कहा, डेविड सर वरुण पर गुस्सा थे लेकिन वरुण का गुस्सा मुझ पर उतारा। वहीं डेविड धवन के बाद में पूरी बात बताई उन्होंने, गुस्सा में वरुण पर ही था और गुस्सा उतारना भी उसी पर ही था, लेकिन फोन पर सारा और वरुण की आवाज में कोई फर्क ही नहीं लगा। इसी वजह से फिल्म में उनके ज्यादा डायलॉग्स भी नहीं है। जैसे तुषार कपूर नहीं होकर भी गोलमाल फिल्म में थे, वैसे ही सारा का भी और है भी और नहीं भी। सारा का सारा फोकस अभी कुली को छोड़ सूर्यवंशी पर आ गया है। पहले कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 छीन लिया किसे, अब सारा भी अक्षय के पीछे है। अक्षय ने भी लेकिन कच्ची गोटियां नहीं खेली है, उन्हें भी पहले जोड़ा घड़ा किया फिर भागाकार किया, तब जाकर उनके हिस्से में अगले साल 5 से 6 फिल्में आई है। और ये नया ऑब्सेशन क्या है सारा का राइमिंग करने का सोशल मीडिया पर? जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन। आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस गुत्थी को सुलझाइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने।